बच्चों अब देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, याद रखना हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट कंडक्टर की, तो ये किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड अपने बाजू में क्रिएट करता है, उसका डिरेक्शन क्या होगा, ये सब हम यहाँ पर जानेंगे। तो बच्चों इसके लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट करना होता है जिसमें एक सर्किट ड्रॉ करना है और सर्किट में एक रियोस्टैट हमें यूज करना है, वेरिएबल रेजिस्टर जिसको कहते हैं, जो कि करंट चेंज करने में हमें काम आता है, ठीक है, उसका यूज होता है करंट फंक्शन, मतलब उसका कि करंट चेंज, सर्किट का जो करंट है वो चेंज करवाता है, ठीक है। चलो सॉरी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये बैटरी है और यहाँ पर एक की रखेंगे, ओके, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव रहेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन रहेगा, ओके। और यहाँ पर बच्चों क्या करते हैं कि कार्ड शीट लेते हैं जिसके कारण हमें पता चलेगा कि उसका डायरेक्शन किस तरह से होगा, ठीक है, डायरेक्शन भी और किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये कार्ड शीट है बच्चों, ये क्या है, एक कार्ड शीट है, समझ लेना आप, ठीक है, एक कार्ड शीट है जिसके सेंटर से हमने क्या किया, एक वायर, मतलब जो करंट कैरिंग कंडक्टर, उससे सेंटर के थ्रू पास किया है, ठीक है। अब देखो जिस तरह से ये जो बार मैग्नेट था इसका मैग्नेटिक फील्ड जानने के लिए और इसके बाजू में क्या किए थे, आयरन फिलिंग्स डाले थे और जिसके कारण हमें ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से प्रोड्यूस उसने किया था, लेकिन उसकी डायरेक्शन हमको पता नहीं थी, बराबर, सिर्फ इस तरह का पैटर्न उसने फॉर्म किया था। तो वही एक्सपेरिमेंट फिर यहाँ पे करके देखते हैं। तो क्या किया, जैसे ये ऑन किया, की को ऑन कर दिया और यहाँ पे आयरन फिलिंग्स डाले, आयरन फिलिंग्स डाले के बाद वो जो आयरन फिलिंग्स है वो इस तरह के पैटर्न में वहां पे क्या हुए, जमा हुए, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल से यहाँ पे इस तरह से वो आयरन फिलिंग्स ने फॉर्म किए, मतलब इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही करंट पास हुआ एक स्ट्रेट कंडक्टर से, उसने अपने अराउंड एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल में एक पैटर्न फॉर्म किया और ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है यही मैग्नेटिक फील्ड वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर दिस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय स्ट्रेट करंट या फिर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। तो इस तरह का पैटर्न फॉर्म करता है, यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया, मतलब हमने जो पहला एक्सपेरिमेंट देखा कि करंट कैरिंग कंडक्टर के बाजू में हमने अगर मैग्नेटिक नीडल रख दी तो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन आया, बराबर है, और रिवर्स करने पे आना, मतलब उसकी डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज होगी, ये दोनों बातें देखिए, बराबर है, ये हुआ क्योंकि एक करंट कैरिंग कंडक्टर ने अपने बाजू में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया था, इतना ही जाना था, लेकिन किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड, उसका शेप कैसा हुआ, तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड उसने तो प्रोड्यूस कर दिया, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन हमको पता नहीं है, जैसे कि ये नॉर्थ और साउथ की पता है, ये यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होता है, मतलब ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट है नॉर्थ पोल से और साउथ पे एंड होते हैं, लेकिन इसका डायरेक्शन किस तरह से ये हमको पता नहीं है। तो इसके लिए देखो बच्चों एक रूल है जिसको कहते हैं राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, जो कि मैक्सवेल ने, एक साइंटिस्ट है मैक्सवेल का वो रूल था, उन्होंने वो रूल बनाया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है बच्चों। कोई भी कंडक्टर से अगर करंट फ्लो होता है तो उसकी डायरेक्शन कैसी रहेगी, तो ये हमें ये रूल से पता चलता है। रूल क्या कहता है, देखो, होल्ड करंट कैरिंग कंडक्टर, होल्ड करंट कैरिंग कंडक्टर, समझो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको हमने राइट हैंड में होल्ड करना है, ठीक है, होल्ड करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड इन सच वे दैट द योर थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर समझो ये आपका थंब है, थंब क्या कर रहा है, थंब शोज डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है,
थम शोज डायरेक्शन ऑफ करंट, ये थम जो है करंट की डायरेक्शन दिखा रहा है। होल्ड करंट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड इन सच वे दैट थम शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन कर्व फिंगर, जो कर्व फिंगर जो है कर्व फिंगर शोज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये जो कर्व फिंगर जो रहेंगे, ये जो कर्व फिंगर जो दिख रहे हैं आपको, दैट विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब करंट अगर ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसमें कोई डाउट नहीं क्योंकि हमने पढ़ा है। लेकिन इसकी डायरेक्शन किस तरह से होगी? एंटी क्लॉक वाइज। कैसे रहेगी? एंटी क्लॉक वाइज। अगर करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है तो उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉक वाइज रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये कर्व फिंगर एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन दिखा रहे हैं। समझ में आया? तो ये इस तरह से ये जो मैक्सवेल राइट हैंड थम रूल और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है, थम नहीं, वहां पे उसमें कंफ्यूज नहीं होना, वो आगे हम पढ़ने वाले हैं। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अलग है और यहाँ पे थम रूल अलग है, जो कि मैक्सवेल ने हमको बताया। उसको मैक्सवेल स्क्रू रूल भी कहा जाता है, स्क्रू रूल, मैक्सवेल स्क्रू रूल, क्योंकि ये जो स्क्रू रहता है ये जो, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन जो है आपको पता है इस तरह से रहती है, बराबर। उसके जो स्क्रू जो रहते हैं वो उसकी डायरेक्शन जो रहती है उसके हिसाब से, और ये करंट की डायरेक्शन समझो डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड है करंट की डायरेक्शन। अगर डाउनवर्ड है तो इसी राइट हैंड में ही थंब कंडक्टर को होल्ड करना है और उसको डाउनवर्ड करना है। डाउनवर्ड करने पे जो कर्व फिंगर है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखाते हैं, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डाउनवर्ड आता है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड की। मतलब यहाँ से हमें ध्यान में आता है, अगर करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, और इसी के कारण वो जो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आया था, एक बार वेस्ट की तरफ और एक बार ईस्ट की तरफ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वहां पर चेंज हुई थी। सिंपल सी बात है। तो ये राइट हैंड थंब रूल याद रखना, और ये स्ट्रेट कंडक्टर अपने आजू बाजू में जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल प्रोड्यूस करता है वही वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। ऑलवेज रिमेंबर में ये याद रखना, दिस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर करंट अगर कॉन्स्टेंट है, करंट सेकेंड थिंग, पहला थिंग तो ये हो गया, अगर करंट कॉन्स्टेंट है और एज वी गो अवे फ्रॉम द वायर देन द मैग्नेटिक फील्ड विल डिक्रीजेस। करंट अगर कॉन्स्टेंट है और कॉन्सेंट्रिक सर्कल से होगा, ये वायर से अगर हम दूर दूर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा। और अनदर थिंग, अगर हमने इसमें से करंट अगर इंक्रीज कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि करंट जितना ज्यादा जाएगा उतना मैग्नेटिक फील्ड वहां पर स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये सब बातें जो बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें याद रखना है, और राइट हैंड थंब रूल को अच्छे से याद रखना। फिर से एक बात बताता हूँ बच्चों, बहुत आसान है, ऐसे ही करना। होल्ड करंट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड इन सच वे दैट थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्व फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इतना आसान है, तो ये सब बातें इसके बारे में याद रखना, ठीक है। अब सेकंड वाला देखते हैं कि अगर वो वायर को हमने सर्कुलर लूप बना दिया तो वो किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है।